हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, रेगुलर मीन्स नियमित, इरेगुलर अनियमित। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक रेगुलर वर्ब होता है, एक इरेगुलर होता है। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है। रेगुलर वर्ब्स, नियमित जो क्रियाएं होती है, द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स इज ईडी। देखिए, पास्ट सिंपल मतलब सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म होता है जिसमें ईडी लगने से बनता है वो रेगुलर वर्ब होता है। जैसे क्लीन, क्लीन में ईडी लग गया, ये रेगुलर वर्ब है। लिव में ईडी लग गया, रेगुलर वर्ब है। पेंट में ईडी लग गया, रेगुलर वर्ब है। स्टडी में ईडी लग गया, रेगुलर वर्ब है। अब देखिए, पास्ट सिंपल यूनिट 11 देखिए। क्लीन्ड, देखिए, आई क्लीन्ड माय शूज यस्टरडे, मैं अपना शूज कल साफ किया था। चार्ली स्टडीड इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी, चार्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ती थी, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ती थी। मतलब जो है, चार्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ती थी, कहानी मतलब ये है। अब देखिए, पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जो है, जब हैज हैव के बाद जब हैव या है जब लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जिसको वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, अब देखिए, आई हैव क्लीन्ड माई शूज, मैं अपना जूता साफ कर चुका हूँ, क्लीन कर चुका हूँ या किया हूँ। जेन हैज लिव्ड इन लंदन फॉर 10 ईयर्स, जेन 10 वर्ष तक लंदन में रह चुका है या रहा है। अब देखिए, पैसिव बी इज आर वर हैज बीन ETC, ये देखिए इज आर वर हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मतलब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर वाज वर हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरी डे, ये कमरे हर दिन साफ किए जाते हैं, ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। माई कार हैज बीन रिपेयर्ड, मेरी कार का रिपेयर किया गया है, मेरी कार का रिपेयर किया गया है, ये पैसिव वॉइस में है। इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रियाएं क्या होती हैं, देखिए, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ इरेगुलर वर्ब आर नॉट ईडी, वो ईडी से नहीं बनते हैं। जो इरेगुलर वर्ब होती हैं, उनको ईडी लगा करके नहीं बनाया जाता है। जैसे मेक, आपका मेक, मेड, मेड, देखिए इसमें ईडी लगने से नहीं बना है। ये देखिए पास्ट सिंपल, इसका मेक का मेड बन गया। पास्ट पार्टिसिपल, इसका थर्ड फॉर्म है फिर भी मेड, मतलब मेक, मेड, मेड। अब देखिए, इसका ब्रेक का ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट है, ये आपका ब्रोकन। ये देखिए कट, 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 ये देखिए तीनों फॉर्म आपका एक ही है, तो ये आपका ये इरेगुलर वर्ब है। देखिए, समटाइम्स कभी कभी पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर द सेम, वैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपका पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, देखिए
मेक मेड फाइंड फाउंड बाई बट कट कट मतलब जो है सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। देखिए ये दोनों मतलब चाहे पास्ट सिंपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल दोनों मेड ही होता है। ये देखिए मतलब काने मतलब जो होता है सेकंड और थर्ड दोनों दोनों जो होते हैं वो एक ही रूप के होते हैं। जैसे बाट 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 होता है कट कट। देखिए आई मेड एक केक स्टडे कल मैं एक केक बनाया ये पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन आई हैव मेड सम कॉफी मैंने मैंने थोड़ा काफी बनाया हूं ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में है। ये आपका पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडिफिनिट में है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन फॉर्म देखिए दोनों में एक ही है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क मक्खन दूध से बनाया जाता है ये पास्ट पार्टिसिपल है ये आपका पैसिव वॉइस में है। देखिए समटाइम्स कभी कभी द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर डिफरेंट कभी कभी समटाइम्स कभी कभी जो पास्ट सिंपल होता है मतलब पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए ये देखिए ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ये देखिए पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म जो होता है देखिए ब्रोक है ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो है ब्रोकन है। अब देखिए नो ये देखिए न्यू जो है आपका सिंपल पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म जो है न्यू है। देखिए थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये नोन है। ये देखिए बिगिन ये नहीं ये बिगेन पास्ट सिंपल और देखिए पास्ट पार्टिसिपल बिगन गो ये देखिए वेंट जो है पास्ट सिंपल है और देखिए पास्ट पार्टिसिपल गॉन है। तो देखिए तीन फॉर्म होते हैं तीनों अलग अलग हैं। देखिए अब देखिए समबडी ब्रोक दिस विंडो लास्ट नाइट समबडी किसी ने लास्ट नाइट पिछली रात को विंडो इस विंडो को तोड़ दिया ये देखिए पास्ट सिंपल है। समबडी हैज ब्रोकन दिस विंडो किसी ने इस खिड़की को तोड़ दिया है ये पास्ट पार्टिसिपल है प्रेजेंट परफेक्ट। दिस विंडो वाज ब्रोकन लास्ट नाइट यह खिड़की पिछली रात तोड़ी गई थी ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल है पैसिव वॉइस में है। लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब देखिए इरेगुलर वर्ब की जो है लिस्ट बनाई गई है। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखिए राइट द पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल लिखिए पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ऑफ दीज वर्ब्स इन क्रियाओं के द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर द सेम होते हैं ऑल द वर्ब्स इन दिस एक्सरसाइज में क्रिया में है। अब देखिए ये देखिए आपका फॉर्म दिया जैसे मेक मेड अब देखिए मेड मेड पास्ट सिंपल पास्ट पार्टिसिपल दोनों मेड ही होता है। कट कट इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। अब देखिए गेट गॉट ये जो है इसका सेकंड और थर्ड भाग गॉट ही होता है। अब देखिए ब्रिंग ये जो है ब्राट ये ब्राट ब्राट इसका पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पार्ट जो होता है एक ही रूप होता है। पेड पेड का भी वही होता है। अब देखिए
राइट द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आप दीज वर्ब, इन वर्ब को देखिए, ये राइट लिखिए पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मीन्स सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। अब देखिए ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये देखिए इसका पास्ट सिंपल पास्ट देखिए ये ब्रोक है और पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन है। अब देखिए बिगेन बिगन, देखिए पास्ट सिंपल बिगन बिगेन है और पास्ट पार्टिसिपल बिगन है। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे अंतर होते हैं, ठीक। आगे चलिए देखते हैं, देखिए पुट द वर्ब इन राइट फॉर्म, सही फॉर्म में क्रिया को रखना है। अब देखिए आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपना हाथ धोया, बिकॉज दे आर डर्टी, क्योंकि वे गंदे थे, हाथ गंदे थे तो मैंने अपने हाथ को धो लिया। ये देखिए आपका सिंपल पास्ट है। Somebody has broken this window, किसी ने इस खिड़की को तोड़ दिया है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म। आई फील गुड, मैं अच्छा फील करता हूं। आई स्लेप्ट वेरी वेल लास्ट नाइट, पिछली रात मैं बहुत अच्छा सोया, ठीक। ये आपका भी सिंपल पास्ट है। वी सा ए वेरी गुड फिल्म स्टडी, हम लोगों ने कल बहुत अच्छी फिल्म देखा, एक बहुत अच्छी फिल्म देखा, ये भी सिंपल पास्ट है। इट रेंड ए लॉट, बहुत बारिश हुई थी, वाइल बहुत बारिश हुई, वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम लोग छुट्टी पर थे, हॉलीडे पर थे। अब देखिए इसको देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंस, इन सेंटेंस को पूरा करना है। चूज फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से चुनाव करना है, एंड पुट द वर्ब इन टू द करेक्ट फॉर्म, और सही फॉर्म में वर्ब को रखना है। देखिए कास्ट ड्राइव फ्लाई मेक मीट शेल स्पीक स्विम टेल थिंक वेक अप विन, ठीक। तो ये सब आप ऐसे इसको आप अभ्यास करते रहिए और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। तो धन्यवाद, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।